नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीटेट ने अभी हाल में कुछ 7-8 दिनों में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज का क्वेश्चन का सभी टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के सभी टाइप बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज के टाइप को अगर आप देखते हैं तो आने वाले एग्जाम जो सीटेट हैं उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा और जो एग्जाम दे चुके हैं वो अपने उत्तर को जांच कर पाएंगे और देखेंगे कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए था जिसमें कि आप लोगों ने गड़बड़ी किया और टाइम को वेस्ट किया। आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि क्षेत्रमिति से दिया गया है। ठीक है, पेन और पेपर लेके बैठे दोस्तों ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सके, मेरे टेक्निक को सीख सके। देखिए क्वेश्चन कहता है एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के समान है, वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई उसकी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। देखिए क्षेत्रमिति में आपको दो चीज ध्यान रखना है कि आपको भाई वर्ग और आयत ये दोनों आपका बहुत होना चाहिए कंप्लीट और आपको इससे एक भी क्वेश्चन भी छूटना चाहिए आपसे। और दोस्तों मैंने आयत और वर्ग पे जितने भी क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में मैंने कलेक्ट कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे क्वेश्चन सब देख लीजिएगा। आइए आप इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि परिमाप दोनों का समान है। ठीक है, वर्ग का परिमाप देखिए 48 दिया हुआ है, तो भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, बराबर दिया है 48। अगर हम 4 से काटेंगे तो एक का मान दोस्तों कितना आएगा, 12। अगर एक का मान 12 है तो हम इस वर्ग का निकाल सकते हैं एरिया। देखिए वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब कितना 144, ये हमको वर्ग का एरिया निकल गया। अब देखिए कहता है कि आयत का जो परिमाप है वह वर्ग के परिमाप के समान है, यानी कि आयत का परिमाप जो होता है 2 × L + B ये कितना है 48। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के समान है और वर्ग का परिमाप कितना दिया बताइए 48। हम यहां 2 से काटेंगे तो L + B का मान निकलेगा दोस्तों कितना हो जाएगा 24। अब देखिए आपको क्या कह रहा है यहां पे कि आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। अब यहां पर हम कैसे काम करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा, यहां पर यहां टेक्निक सीखना है आपको बढ़िया से। देखिए जितना अंतर दिया है पहले उसको साइड करिए, लंबाई और चौड़ाई में 4 का अंतर है क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो 4 को हटा दिए कितना बचा 20। अब इस 20 को 10 और 10 में आप बांट दीजिए, इसको लंबाई इसको चौड़ाई मान लेते हैं और ज्यादा कौन है लंबाई, तो ये 4 इसको दे देंगे तो लंबाई 14 हो गया और चौड़ाई 10 हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है तक, लंबाई 14 और चौड़ाई 10, तो आयत का एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 14 × 10 बराबर 140। अब आप बताओ कि 140 और 144 में डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो डिफरेंस भाई आपका होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, डिफरेंस आपका आ रहा है 4 और आपका ऑप्शन में 4 कहीं पर है ही नहीं, समझ में आ रहा है, कहीं को दिक्कत नहीं है दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल जो आपका है वो एक मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्यामितीय विचार के वैन हिले स्तरों में निहित है, सभी स्तरों का सही क्रम क्या है। दोस्तों आप लोगों में से जिसको भी वैन हिले में कोई दिक्कत है तो वैन हिले का भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वैन हिले का पूरा कॉन्सेप्ट, वैन हिले का पूरा क्वेश्चन सबका वीडियो अलग से बना कर दे दिए हैं, आप उसको वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं। और वैन हिले से सवाल हर एग्जाम में पूछेगा, यह संभव ही नहीं कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे। तो वैन हिले के स्तरों को जानना है तो वैन हिले का स्तर दोस्तों 4 होता है, स्तर 4 होता है लेकिन शुरू 0 से होता है, 0, 1, 2, 3, 4। पहला स्तर को बोलते हैं चाक्षुषीकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं विजुअलाइजेशन और इसको हिंदी में क्या बोलते दोस्तों मानस दर्शन या चाक्षुषीकरण। लेवल 1 को कहते हैं विश्लेषण और विश्लेषण को ही आप अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस, ध्यान दीजिएगा एनालिसिस। स्तर 2 को बोलते हैं अनौपचारिक निगमन, यानी ये जो पढ़ाई होगा वो अनौपचारिक होगा, यहां पर ज्यामिति का जो ज्ञान वो दोस्तों कहता होता है अनौपचारिक होता है, अनऑफिशियल होता है,
यानी आप इसको बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, ठीक है। यानी इसमें बच्चों को जो नियम है, प्रमेय है, उसकी जानकारी नहीं होती है, बस वो एक अपने अनुभव से, अपने अंदाज से कुछ बात यहां बताता है। नंबर तीन जो आएगा स्तर तीन, ये हो जाएगा औपचारिक, औपचारिक निगमन, ठीक है। औपचारिक निगमन में बच्चा जो है किसी भी ज्यामितीय आकृति के बारे में उसके नियम के हिसाब से उसका एरिया, उसका परिमाप, उसमें जो है विकर्ण निकालने सीखना, भुजाओं के बीच संबंध, एंगल यानी कोण, विकर्ण, ये सब कुछ बता पाता है दोस्तों। ये होता है औपचारिक निगमन। और सबसे अंत आता दोस्तों, इसको बोलते हैं रिगोर, मतलब बोलते हैं दृढ़ता। तो दृढ़ता स्थिति तब आती है जब बच्चा टेंथ या टेंथ से बाहर चला जाए, यानी कि कॉलेज के लाइफ में चला जाए या फिर बिल्कुल टेंथ तक पहुंच जाए, जहां पर कि बच्चा किसी भी प्रमेय का प्रयोग किसी भी अन्य प्रमेय में कर सकता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी फॉर्मूला बनाने के लिए जो है समचतुर्भुज में भी कर सकते हैं, कभी कभी उसको आयत में भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्थिति आता उसे दोस्तों बोलते हैं रिगोर बोलते हैं, यानी दृढ़ता बोलते हैं। तो हम जान करके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं लिए ताकि आपको थोड़ा समझा सके, और आप में से जिसका भी एग्जाम अभी सामने है वो इसको जो है अच्छे समझ करके इसको वो आंसर कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है और ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, जिसको आप दोस्तों बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। आप नाम जरूर सुने होंगे सिंप्लीफिकेशन, और सीटेट यहां से सवाल जरूर उठाती है, अभी आगे कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो से आप हटिए नहीं, और आप देखिए कि आगे जो भी बड़े बड़े जो क्वेश्चन भी आने बाकी है उसका टेक्निक इतना खतरनाक होगा कि 4 से 5 सेकंड में उत्तर आपके सामने होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 किलोमीटर का 2/5 भाग, और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन किसमें है, मीटर में। तो बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो अगर 1000 मीटर होता है तो इसको अगर हम 2/5 से भाग करेंगे दोस्तों कितना होगा, यहाँ पे 200 गुने 200 कितना दोस्तों कहते हैं 400। 1000 का 2/5 भाग, 5 से काटे 200 बार और 200 गुणे 2 कितना दोस्तों आगे 400। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमको जो यहाँ पूछा गया और ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन दोस्तों है मीटर में। अगर मीटर में दिया है तो पहले किलोमीटर आपको चेंज करना होगा, तभी आप काटेंगे तो आसानी से उत्तर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों देखिए अगला सवाल जो दिया है ये बच्चों के दैनिक जो गतिविधि है उससे जोड़ के क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि बचपन में हम लोग भी खेले हुए हैं, लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, है ना, गांव का लोग कोढ़ी खेलता था, ठीक है, इस तरह का चीजें हैं। तो सांप सीढ़ी का खेल जो है वो छात्रों को गणित सीखने में हेल्प करता है, बताओ क्या चीज में हेल्प करता है, ज्यामिति सीखने में, संख्या सीखने में, आकृति सीखने में, या इनमें से कुछ नहीं? तो आपको पता होगा कि सांप सीढ़ी दोस्तों जो होता है, तो दोस्तों सांप सीढ़ी में आप देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर का इसमें खेल है, कितना अंक ऊपर जाना है, कितना अंक नीचे जाना है, सांप काटेगा तो कहां पहुंचोगे, ये सारा जो गेम है वो क्या है, संख्याओं का खेल है। तो सांप सीढ़ी में बच्चों को संख्याओं का ज्ञान बहुत अच्छा मिल सकता है गणित का, इसलिए सांप सीढ़ी से आप बच्चों में संख्याओं का ज्ञान बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही बच्चा मतलब हवा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अब ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया है, और इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि भैया हमारा टेक्निक क्या होना चाहिए, क्या टेक्निक लगाएं कि क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाए। देखिए कहता है कि 0.28 मीटर, 1.2, 2.4 मीटर आयाम वाले, आयाम मतलब उसके किनारा, आयाम वाले घनाभ में 0.3, 1.2 सेंटीमीटर आयामों के कितने घनाभों को व्यवस्थित मतलब रखा जा सकता है या लगाया जा सकता है, उसमें रोका जा सकता, कुछ भी आप समझिए व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसे सवाल को सबसे पहले क्या करना है कि जो बड़ा वाला घनाभ है, यानी समझिए कि एक बड़ा सा बक्सा, भाई घनाभ का आकार का बड़ा सा बक्सा है, उस बक्से में छोटे छोटे घनाभाकार बक्सा रखना, हमको कितना रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, देखिए ऊपर में जो घनाभ का मान दिया है उसका पहले आप निकालिए आयतन, आयतन निकालने आपको आता होगा। आयतन निकालते हैं कि अगर यदि हम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर दें, देखिए ये है एल और ये है बी, ये है एच। आप जब घर बनाते तो वहां लिखता है 12 बाय 8, तो 12 बाय 8 क्या हो, 12 लंबाई और 8 चौड़ाई,
तो गुना को हम बाय के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या करना दोस्तों, देखिए इसको सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए, तो सबको 100 से गुना करना है। हम बाद में लिखे तो बाद में गुना कर देते हैं, देखिए इसके लिए 100 गुना कर दिए, इसके लिए 100 गुना कर दिए, इसके लिए 100 गुना कर दिए, ठीक है, तीन बार 100 से गुना कर दिए। अब नीचे दिया है सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1.2। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो हटा, यहाँ से 1, 3, 3 1 4, अगर नीचे 4 जीरो आप रखोगे तो ये पूरा कट गया। अब देखिए ऊपर में 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, अगर ऊपर में 3 जीरो और आ जाएगा तो कुछ हाल इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। अब देखिए कि कैसे काटेंगे इसको, 12 से काटेंगे दो बार में, खत्म हो गया, 3 से काटेंगे चार बार में, 14 से काटेंगे दो बार में। तो अब यहां देखो कि हो क्या रहा है, 4 × 8 × 16, और यहां देखिए जीरो कितना है, 5, 3 और 2 5, यानी दोस्तों आपका जो उत्तर है उसमें 5 जीरो होना चाहिए, 3 और 2 5 ये आपका उत्तर है। तो अब कहेंगे सर इसमें टेक्निक क्या लगाना था, देखो भाई आपका टेक्निक लगता इतने में ही, बिना काटे टेक्निक लगाते कैसे, देखो जब आप जीरो काट लिए थे, जीरो काटते काटते जब आप यहाँ पे 0 5 0 देख लिए थे, तो इतने में आप समझ जाते भैया कि इसमें जो है आपके उत्तर में 5 जीरो होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो बचा ही नहीं है, तो आप जीरो कटेगा ही नहीं और जो है 5 जीरो आपका उत्तर हो जाएगा, सीधे मारते हो ऑप्शन नंबर ए, काम खत्म है। तो आप एग्जाम में टेक्निक भी लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम कैसे बचाना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ये आपके सामने एक लॉलीपॉप क्वेश्चन, हम कह सकते हैं भाई लॉलीपॉप ही क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सवाल। देखिए स्थानीय मान और अंकीय मान, अंकित मान या अंकीय मान कहते हैं या फिर जातीय मान कहते हैं, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, सिटेट एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो कहता है कि इस संख्या में और इस संख्या में 5 का जो स्थानीय मानो, तो देखिए यहां 5 है और बगल में 3 अंक है, 3 जीरो मार दिए, और इसमें 5 है और बगल में 1 जीरो है, मार दिए, स्थानीय मानो के योग भाई जोड़ लो 0 5 0 5, तो 5 के दोनों स्थानीय मानों का योग दोस्तों कितना रहा, 50 50। अब कहता और अंकित मान, तो भैया 5 का अंकित मान तो 5 होगा, इस दुनिया में कोई भी संख्या का स्थानीय मान, सॉरी कोई भी अंक का स्थानीय मान वो खुद होता है, तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 50 50 में 5 जोड़ोगे, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर है 50 55, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया हम लॉलीपॉप क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपको हम टेक्निक बताने वाले हैं, अब तक सीटेट के कोई भी वीडियो जिसमें आप मैथ देखे होंगे उसमें ये टेक्निक आपको नहीं देखने मिलेगा। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए कहता है एक वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा का क्रमशः 2/3 और 1/3 है, तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि हमको इसमें वर्ग और आयत दोनों का निकालना होगा एरिया। देखिए वर्ग का भुजा पहले समझ लीजिए बेसिक, फिर आपको टेक्निक समझाते हैं। वर्ग का भुजा दोस्तों कितना है, 33 है। अगर वर्ग का भुजा 33 है तो भाई वर्ग का एरिया कैसे निकालोगे, 33 का स्क्वायर, लो पहले यही फंसे। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं होगा तो 33 × 33 करना पड़ेगा। अब समझिए कि इसमें हम टेक्निक क्या लगाएंगे। देखिए अब जो है आयत का जो लंबाई है वो होगा वर्ग के भुजा का 2/3 और चौड़ाई होगा वर्ग के भुजा का 1/3। दोस्तों यहां से काटोगे 11 और यहां से काटोगे 22। तो कोई भी सामान्य विद्यार्थी जो आप भी काम किए होंगे कि वर्ग का एरिया निकाल लो और आयत का लंबाई चौड़ाई पता चल गया, एरिया निकाल लो घटा दो। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि अगर यदि आपको 3 का पहाड़ा आता है, दोस्तों 3 का पहाड़ा आता है तो 3 को पहले गुना करो 2 बार, 6 आ गया, और 3 को गुना करो 4 बार, 12 आ गया, तो 6 और 12 में अंतर कर दो कितना आएगा बताइए, 6 आएगा ना, क्या वो 6 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो आप सोच के देखो कि वर्ग का जो एरिया निकालोगे 33 का स्क्वायर, क्या इस 33 में 11 भैया है कि नहीं, इसमें 11 है कि नहीं, बिल्कुल है। और जब आप आयत का निकालोगे एरिया लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहां भी देखिए 22 गुने 11 हो रहा है,
यानी इसका जो मान आएगा वर्ग का जो मान आएगा और जो आयत का एरिया आएगा दोनों का एरिया 11 का गुणज है, 11 का ही गुणज है, तो दोनों का अंतर भी दोस्तों 11 का ही गुणज आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आपका जो ऑप्शन है वो 11 से कटना चाहिए, जो ऑप्शन आपका 11 से कट जाए वही आपका उत्तर है दोस्तों, वही आपका उत्तर है। ठीक है, अब 11 से काटने का तरीका क्या है उसको ध्यान से देखिए। 11 से काटने तरीका है कि अल्टरनेट संख्या इनको आप उठा लीजिए और जोड़ दीजिए, 7 4 11 बचा कितना 8, घटा के देखना है, 8 7 15 बचा कितना 4, घटा के देखना है, 8 7 15 में 4 घटा के देखना है। ठीक है, और यहां देखिए 8 4 12 इसमें 6 घटा के देखना है। आपको देखना है कि भाई कहां पे हमारा मान 11 या फिर 0 आ सकता है, तो यहां तो 11 0 कुछ भी नहीं आएगा, यहां आ सकता है 11 और यहां भी आ सकता है 11, यानी हमारा आंसर बी और सी में होगा। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि 33 का स्क्वायर दोस्तों 900 से ज्यादा होगा नहीं होगा, और 22 गुने 11 यानी लगभग 250 के आसपास होगा। तो भाई अगर यदि 900 से ऊपर होगा यानी 1000 प्लस होगा, उसमें से 200-250 घटेगा तो हमारा उत्तर 800 प्लस में जाएगा, कहां जाएगा 800 प्लस, क्योंकि 33 का स्क्वायर जो है 1000 से पार हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें टेक्निक आपको आना चाहिए ताकि एग्जाम में बिना गुना किए भी आप उत्तर लगा सकते हैं। अब देखिए कि बाय प्रोसेस ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता। देखिए जरा प्रोसेस को समझिए, वर्ग का भुजा उसमें कितना है, वर्ग का भुजा है 33, तो इसका एरिया निकाल लेंगे 33 गुना 33, तो कितना आगे बताइए 33 का स्क्वायर करेंगे तो, अगर याद नहीं तो उसको गुना कर लीजिए, 3 3 9 9 और 9 18, हाथ में 1 3 3 9 1 10 यानी कि 1089 होगा। देख रहे हैं हमने वो कहा था कि 10 प्लस होगा, और इसका एरिया तो लंबाई आया था 22 और चौड़ाई आया था 11, तो 22 गुने 11। देखिए 11 से भाग करने का एक तरीका पता है, आप कर सकते हैं कैसे, देखिए अगर यहां 11 से भाग कर रही है 2 को लिखो, 2 और 2 जोड़ दो 4 हो गया, और अंतिम वाला 2 को लिख दो खत्म। अब सोचो इन दोनों में हमको डिफरेंस निकालना है और अंतर निकलेगा 847, क्यों, क्योंकि 9 में 2 जाएगा, बोलो कितना रहेगा 7। ठीक है, मार देंगे उत्तर, ऐसे भी करके मार देंगे उत्तर, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं कि ए और डी में उत्तर तो होगा ही नहीं, और अधिक अगर दिमाग नहीं लगाना है आपको तो बस घटा दो भाई, आ जाएगा आपका 847। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को जब बनाए तो मेरे टेक्निक को सीखने प्रयास कीजिए दोस्तों। आप कुछ दिन आप बने रहे मेरे साथ, आपको दिखाते हैं कि कितने जगह टेक्निक आपको सिखा सकते हैं हम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है और यदि उसकी भुजा दोगुनी कर दी जाए तो घन का अंतिम क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी डैश हो जाता है, यानी कितना गुना होगा। तो भैया घन का भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले तो भाई इसका घन का अंतिम क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। अरे भाई घन का क्षेत्रफल कहाँ होता है, इस क्वेश्चन मिस्टेक हुआ क्या, घन का आयतन देख लेते हैं, आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन होगा भुजा का क्यूब, यानी 5 गुने 5 गुने 5, घन आपको पता हो कैसे बनता है, ये घन हो गया, ये घन हो गया जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, तो इसका आयतन तो कितना हो गया 125, ध्यान रखिएगा कितना हो गया 125। अब कहता है कि इसकी भुजा को दुगुनी कर दो, ठीक है भाई भुजा को दुगुनी करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब इसका जो आयतन होगा वो होगा 10 का क्यूब, यानी हो जाएगा 1000। सोच के देखो कि 125 को कितना गुना करें कि 1000 हमको मिल सकता है, इसमें तो ऑप्शन ही हमको गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि घन का अंतिम क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, तो भाई इसमें घन तो होगा नहीं, इसमें आयतन होगा, तो इसमें होना चाहिए 8 गुना,
इस क्वेश्चन में उत्तर कहीं पे ऑप्शन कहीं मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन लगता है जो हमको मिला है उसमें कोई कहीं मिस्टेक हुआ होगा, ये 8 गुना होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि घन में एरिया आप निकालेंगे तो घन का देखिए एरिया क्या निकलेगा, घन का एरिया निकलेगा किसी भी एक भुजा का निकलेगा ना, घन का एरिया कौन सा एरिया ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि घन का संपूर्ण एरिया भी तो होता है। चलिए उसको निकाल के देख लेते हैं। अगर घन का संपूर्ण एरिया भी निकालते हैं तो भी देखते हैं कि क्या होगा। घन का संपूर्ण एरिया होता है 6 × भुजा का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? 6 × भुजा का स्क्वायर, दोस्तों ये 5 गुना था, ये 5 गुना था, तो 6 × भुजा इसे कितना, 5 का स्क्वायर तो 25, तो 6 × 25, 25 × 150 हो गया। अब कहता है कि भुजा को डबल कर दो, मैंने भुजा हो गया अब आपका 10। अब इसका जो एरिया होगा वो 6 × a², तो 6 × a मतलब कि 10 का स्क्वायर, तो 6 × 100 बराबर 600। तो भाई ये संभव है कि अगर हम 150 है तो 600 हम तुलना करेंगे, कितना गुना होगा बताइए, 4 गुना होगा। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, 4 गुना। तो आपको हम दो तरह से क्वेश्चन को दिखा दिए। इस क्वेश्चन में यहां पर रॉन्ग लिखा हुआ था, क्वेश्चन में इसमें लिखना चाहिए था कि उसके संपूर्ण एरिया का, प्रारंभिक संपूर्ण एरिया का कितना गुना हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एरिया घन का निकलता नहीं है, या तो निकलेगा संपूर्ण एरिया या निकलेगा आयतन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक और क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को जितना लंबा आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को उतने कम टाइम में हम सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है एक संख्या जो 5 से विभाज्य मतलब भाग जा रहा है, लेकिन 10 से नहीं, 10 से नहीं मतलब कि ये काट दो। ध्यान देना, अगर 10 से नहीं कट रहा भैया तो 10 से वही कटता जिसके अंत में 0 है, और हमको निकालना है वो संख्या जिसके अंत में 0 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल। कहता है उसके दहाई पर अंक 3 से विभाज्य है, दहाई पर अंक 1, 2, 1, 2, दहाई पर अंक कौन सा है ये, और केवल इसी का दहाई का अंक जो है 3 से विभाज्य है, तो बस आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है 28,465, क्योंकि यहां पर किसी का भी दहाई अंक जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब कहता कि और 1000 के स्थान पर अंक 4 से विभाज्य है। भैया 1000 के अंक, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 का अंक देखिए 8, वो 4 से भाग जा रहा है, बिल्कुल सही है। और 10000 पर जो अंक है, 10000 पर कौन अंक है, 2 है। 10000 पर का अंक 100 के अंक का आधा है, 100 मैंने ये जो 4 है सैकड़ा, 100 में सैकड़ा, तो इसका आधा है कि देखिए सैकड़ा का आधा है बिल्कुल। तो सारे कंडीशन को फॉलो करता आपका डी नंबर, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 28,465 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया, कहीं को दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन को देख के डरो नहीं बाबू, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, आपका ऑप्शन बहुत कुछ बताता है इसे क्वेश्चंस में। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग रखते हैं संख्या से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता कि यदि किसी धनात्मक संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या के समान है तो संख्या बताएं। भाई आप यहां एक बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आ रहा है धनात्मक गुणनखंडों का योग, तो आप धनात्मक गुणनखंडों का भी योग जो होता है उसको भी अच्छे से सीख लीजिएगा। मेरा वीडियो इसमें जब आप सर्च कीजिएगा धनात्मक गुणनखंडों का योग, तो मेरा वीडियो सबसे टॉप पर है, तो आप उसको अच्छे से देख करके आप उसको सीख लीजिएगा। यहां कहता है किसी संख्या के धनात्मक संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या के समान है। देखिए धनात्मक गुणनखंड आप वो समझिए कि वैसे नंबर्स जो पॉजिटिव भी हो और उस संख्या को काटता भी हो, तो 6 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन 6 से कटेगा उसको नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर हमको सिर्फ वो संख्या लेना जो इसका गुणनखंड है, तो यहां पर जिनसे कटेगा उसको लेना है। अब इनको जोड़िए, धनात्मक गुणनखंडों का योग 3, 2, 5, 1, 6, देखिए वो संख्या के समान है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। बाकी चेक ही नहीं करना भाई, बाकी आपको दिखाया गया था कि आप डिस्टर्ब हो, इतने बड़े संख्या को देख के डिस्टर्ब हो जाए, नहीं होना है। ठीक है, नहीं होना है, एकदम समान चीज से सोचिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये देखिए आपके सामने ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से किस जोड़े से एक बनने की संभावना है। तो भाई इसमें आपको ऑप्शन बड़ी स्पीड से काटने का क्षमता होना चाहिए। आप देखिए अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो जिससे एक बनने की संभावना, तो भाई यहां पर दो ही जोड़ने पर एक बन जाएगा, आधा जोड़ आधा एक होता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां देखिए सी में देखिए तीनों के अंत में आठ है, देखिए तीनों के नीचे क्या है आठ है, तो एलसीएम भैया आठ आ जाएगा। अगर एलसीएम आठ आएगा तो ऊपर सबको जोड़ दो, पांच तीन आठ एक नौ, ये कभी नहीं एक आएगा, एक से ज्यादा आएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। बचा हमारे पास कौन, बी और डी, पहले काट लीजिए उसको, एक बटा चार। अगर एक बटे चार जोड़ दो बटे पांच जोड़ तीन बटे आठ को जोड़िएगा तो भाई इसका एलसीएम कितना आएगा जी, इसका एलसीएम आ जाएगा 40। अगर 40 एलसीएम है तो चार से काटोगे 10, पांच से काटोगे 8 दुना 16 और 8 से काटोगे 5 दिया 15 बटा 40, नहीं आया कट के एक आएगा, क्योंकि देखिए 16 15 31 10 41 बटे 40 है, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, यानी बी नहीं होगा। तो बचा कौन, डी, डी को आप जोड़ लीजिए, देखिए आपको एक मिलेगा, पहले यहां काट लीजिए, एक बटे चार ये कितना होगा, तीन बटे आठ प्लस एक बटे चार प्लस एक बटे चार प्लस एक बटे आठ, भैया केवल आठ चार आठ चार दिख रहा है, तो एलसीएम क्या लोगे भाई बताओ, एलसीएम लोगे आप आठ, तो यहां जुड़ेगा तीन, चार दुनी आठ, ऊपर एक है दो ही लिखोगे, चार दुनी आठ तो ऊपर एक दो ही लिखोगे, आठ से आठ कट गया एक, तीन दो पांच दो सात एक आठ, अगर ये आठ बटा आठ आ रहा है तो बिल्कुल इसका उत्तर एक आएगा आंसर। अब यहां जरा मेरा बात सुनो कि आपको यहां अप्रोच क्या लगाना चाहिए। देखिए जब हम एक एक और सी तो काट ही चुके थे कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, जब ये काट चुके थे और बी को भी हम काट लिए कि भाई बी का उत्तर नहीं आएगा एक, तो आपको डी चेक नहीं करना है, डी चेक नहीं करना है क्योंकि डी आपका उत्तर होगा, बात समझ में आ रहा है। इससे आप सोचिए क्वेश्चन को, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन चेक करोगे तो भैया टाइम तो लगेगा ही ना, टाइम को कम लगाना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है कि जब किसी संख्या को आधा घुमाया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। ये आपके संख्याएं दिए हैं 808, 404, 801, 696। भाई कोई भी चीज जैसे मान लीजिए ये बोतल है, इसको हमको घुमाना है आधा, आधा घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कैप इधर है भाई, तो ये इतना हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम इसको इतना कर देंगे तो 360 हो जाएगा और 360 में पूरा घूम गया ये, ठीक है, हमको हाफ घुमाना है, देखो ऐसे बोतल है, ऐसे कर दिए हाफ हो गया, तो भैया हाफ घुमाओगे तो ये कितना, दोस्तों बताइए, अगर इसको हाफ घुमाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इसको घुमाओगे तो ये आठ का आठ ही रहेगा और ये आठ रहेगा, बाकी कोई भी जो है समान नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि इसको आप जैसे आधा घुमाओगे तो 808 ही बचेगा, क्योंकि भैया आप 8 को 180 घुमा लो, यानी आधा घुमाओगे, अगर इसको आधा घुमाओगे, चलो घुमा के दिखाते हैं, इसको अगर आप आधा घुमाओगे, अरे भाई घूमो घूमो, नहीं घूमा छोड़ दो, अगर इसको आधा भी घुमाओगे तो भी ये क्या होगा, आठ ही रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, इसका मतलब कि जो आठ है वो चेंज नहीं होगा, तो इसमें कौन संख्या है जो कि वो सेम रहेगी, वो है ऑप्शन नंबर ए 808। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपके, तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन, आप कमेंट करें और इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर करें जिसका एग्जाम अभी होने वाला है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, और आप लोग भी सारे कोई इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि आपका कोई भी स्टेट टेट, चाहे वो यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, झारखंड टेट हो, हर टेट में आपको ये सब क्वेश्चन जो है काम आने वाला है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जय हिंद।